सभी का DKIT सॉल्यूशन चैनल में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए। हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आधार कार्ड को UAN अकाउंट के साथ लिंक कैसे करते हैं। उसके लिए दोस्तों हमें EPF की वेबसाइट पर जाना है। चलिए हम आगे चलते हैं EPF की वेबसाइट पर। ये दोस्तों वेबसाइट का नाम है epfindia.gov.in। दोस्तों इस साइट पे जाना है हमने, और उसके बाद दोस्तों आप होम पेज पे देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन सर्विसेज। दोस्तों उसके नीचे लास्ट में हमने लिखा आ रहा है EKYC पोर्टल। दोस्तों इस लिंक को ओपन करेंगे। दोस्तों इस लिंक की हेल्प से हम दोस्तों अपना आधार कार्ड जो है हमारा, वो हम UAN अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है कि हमें एम्प्लॉयर की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों ये हम खुद ही कर सकते हैं अपना आधार कार्ड। तो चलिए दोस्तों कैसे करते हैं उसके बारे में कुछ मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों उसके लिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है लिंक UAN आधार। इस लिंक पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों एक फॉर्म ओपन होगा, फॉर्म जो है जिसमें हमारा UAN नंबर होगा। दोस्तों हम यहाँ पे अपना UAN नंबर डालेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे हमारा मोबाइल नंबर रहेगा, वो मोबाइल नंबर हमने वही डालना है जो हमारा UAN अकाउंट के साथ अपडेट हुआ है। दोस्तों ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने जनरेट OTP करना है। दोस्तों जनरेट OTP होने के बाद जो OTP आया होगा वहाँ यहाँ पर हमने कन्फर्म OTP में डाल देना है। दोस्तों उसके बाद आता है जेंडर, जेंडर में जो हमारा जेंडर रहेगा वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमने आधार कार्ड नंबर डालना है। दोस्तों आधार कार्ड नंबर डालेंगे, उसके बाद दोस्तों हम सबमिट करेंगे। ठीक है, सबमिट करने के बाद दोस्तों हमारे पास एक आधार कार्ड वेरिफिकेशन OTP नंबर आएगा, वो हमने OTP सबमिट कर देना है। दोस्तों सबमिट करने के बाद दोस्तों हमारा जो आधार कार्ड नंबर रहेगा वो UAN अकाउंट के साथ लिंक हो जाएगा। सो दोस्तों इस वीडियो के हेल्प से अपना आधार कार्ड UAN अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हो। और दोस्तों इसमें आपको अपने एम्प्लॉयर से कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।